दोस्तों एक मन की बात है हमारी जो कि मन में ही रखे थे, ज्योति से भी नहीं बताए थे, आज आप लोगों के सामने बता रहे हैं। हमने हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह का वक्त तो रहा है, आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। और सुबह सुबह मैं नहा धोवा के रेडी हो गया हूँ पूजा के लिए। बाकी अभी ज्योति यहाँ पे रेडी हो रही है और पूरे नवरात्र सुबह का टाइम का यही रूटीन रहेगा हम लोगों का कि सुबह उठ के नहाना है, धोना है, घर की साफ सफाई करना है, मंदिर साफ सफाई करना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा। और अभी हमारी परी वहाँ पे सो रही है क्योंकि आज से उसका छुट्टी शुरू है, तो हम लोग भी छोड़ दिए हैं कि सो आराम से। दोस्तों ज्योति ने आज ये वाला साड़ी पहना है, ये कब खरीदे थे ज्योति? ये दूसरे छठ में खरीदे थे ज्योति के लिए। अभी दोस्तों तैयार व्यार होके हम लोग आ गए लोग अपने पूजा घर में। ज्योति मंदिर की साफ सफाई कर रही है और ये काम हम लोग नहा धोवा के तैयार होने के बाद करते हैं लोग, क्योंकि ऐसे बिना नहाए धोए मंदिर नहीं छूना चाहिए ना। और ये कल लेके आया दोस्तों सप्तशती पाठ, आज से सप्तशती पाठ भी करेंगे हम लोग। और इसमें रखे हैं लोग जितना भी पूजा वूजा का सामान निकलता है ना, फूल पत्ती वगैरह, तो ये लास्ट दिन ले जाकर मंदिर विसर्जन करेंगे नदी में। तो इसी में सब इकट्ठा कर लेते हैं लोग और लास्ट दिन जब पूजा संपन्न होगा नवरात्रि का तो ले जाके इसको गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। और दोस्तों ये उस दिन हम लोग 99 मॉल से लिए थे लोग ना, बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें पानी ले आके रख ले रहे हैं लोग, पूरा पूजा हो जाएगा, पानी इसी से हो जा रहा है। और आज ज्योति भजन गाएगी, क्या जाती माता रानी का भजन तो गाते हैं दोस्तों। आज आप लोग भी सुनिएगा। तो चलिए जी पूजा शुरू करते हैं, मैं भी जाता हूँ पूजा पे बैठ जाता हूँ। और जी अभी आज का पूजा संपन्न हुआ और हमारी परी भी पूजा में आके बैठी हुई थी, उठ गई थी। आज माता रानी का छठा दिन, कात्यायनी माता का पूजा किए हम लोग और आशीर्वाद लिए। आइए आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माथा टेक के। माता रानी आप सभी माता रानी आप सभी के कष्टों को हर लें, आप सभी हमेशा खुश रहें, क्या ज्योति। और अभी हम चल रहे हैं मंडी दोस्तों, क्योंकि लेट हो गया है और ये सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा, इससे ज्यादा लेट करेंगे तो कोई बात नहीं, अभी नहा लेगा मेरा बेटा। भी नहीं है उसके पास खाना, नहीं है उसके पास तो कैसे खाएगा। मामा दे रही है ना बेटा। अभी दोस्तों दरवाजे पे कुछ लोग आए हैं लोग, जैसे वो बंजारा नहीं होते हैं लोग, घूम घूम के कहीं कहीं रहते हैं लोग, वही लोग आए हैं। एक ग्लास दे दी? हाँ दे दो। तो रोटी दूध है लेना, खजा दे देते हैं। इनके बच्चे रो रहे हैं लोग, तो कुछ है भी नहीं, अभी रोटी बना था तो हम तीनों लोग खा गए लोग। झंडा है दुकान पे लगाना है, दिए हैं लोग, दुर्गा माता का झंडा है। इसमें से इसमें दे दो, दे दो वही तेरे बुला के, वही में वही पागल कर सब कच्चा है। चलिए जी ये भी सौभाग्य है, माता रानी के दिनों में कुछ लोगों को कुछ खिलाने का मौका मिल रहा है। यही
चीनी भी डाल देने वाली बा। अच्छा देखिए कितना क्यूट है, बोलता है बा। एक तो सेवगा मिलते हैं। दे दो। देखिए ज्योति यहाँ पे देख रही है, हटो के ज्योति। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हम दिए हैं तो दिखा रहे हैं, हमको इतना खुशी हो रहा है, ये खुशी हो रहा है कि माता रानी यहाँ पे रुक आई है, हमको देने का मौका मिला। ये तो कुछ भी हम नहीं देते क्योंकि घर में रहते हैं। देखिए सब लोग सेब केला खा रहे हैं लोग, और जो देखना दूध पिए तो उनको बाप खाता रहा। हम बना रहे हैं खाना और ये बाप बेटी दोनों आदमी हम मेरा पहरा कर रहे हैं कि कब बनेगा खाना। आदत है ज्योति का, जब खाना बनाएगी ना तो यहीं पर आपको खड़ा करके रखेगी, दिखाते रहेगी, देखिएगा ठीक बन रहा है। यहाँ पे रखेंगे, मन लगता है। बोलती है देखे मसाला भुजा गया है, पानी डाल दे और सब चीज पूछते रहती है। और सब कुछ रहे, नहीं लगता है कभी सबका मन क्या। सोच रहे हैं ना कि कल तो हम लोगों को टाइम नहीं मिला है पंडाल घूमने का, सोच रहे हैं कि आज ले जाके घुमाए ज्योति को। दोस्तों अभी हो गया है शाम का वक्त और अभी हम लोग पूजा पाठ किए लोग, आरती वगैरह किए लोग अपने घर में माता रानी का, और दोपहर के बाद सीधा इस टाइम में हम लोग ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमारा तबीयत खराब था और ज्योति का भी तबीयत खराब था, अभी पूरा गला खराब लग रहा है। और ऐसा इसलिए मुझे लग रहा है ना कि हम लोग कल रात में मूली खा लिए थे लोग, तो हो सकता है कि उसी की वजह से हो गया, पूरा गला कांट की तरह हो गया है, इसीलिए दुकान भी लेके नहीं गए, सर दर्द कर रहा था, बुखार भी था, दवा खा के सो गए थे। और शाम टाइम में उठे तो नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे, और अभी ज्योति और परी दोनों आप लोगों को गाना सुनाएंगे लोग, भक्ति गाना। मैया पाओ पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, चन चन चाना नाना बाजी, मैया पाँव पे जनिया। ताली बजा बेटा आप। दोस्तों ज्योति के मुंह से ये देवी गीत बहुत ही अच्छा लगा, पूरा माहौल ही शांत हो गया दोस्तों, एकदम साइलेंट, और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हालांकि नवरात्र का जो महीना होता है, जो दिन होता है, बहुत ही खुशी का पल होता है हमारे लिए, और दुख का पल तब होता है जब माता रानी को हम लोग विदा करते हैं लोग। और दोस्तों एक मन की बात है हमारी, जो कि मन में ही रखे थे, ज्योति से भी नहीं बताए थे, आज आप लोगों के सामने बता रहे हैं। हमने माता रानी से अब की बार कुछ मांगा है, तो अभी बताते हैं कि हम क्या मांगे हैं माता रानी से। पूरा हो गया है? पूरा हो गया नहीं, तब क्या है बता रहे हैं? बता रहे हैं क्योंकि वो अपने लिए नहीं, पिछले आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए मांगा था, तो पूरा हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने 9 दिन का नवरात्र रखा था और कन्याओं को भी खिलाया था, उसका फोटो है, दिखा देते हैं हम। बाकी अब की बार मैं मांगा हूँ अपनी YouTube फैमिली के लिए। पता है कुछ दिन पहले हम लोग जब Q&A बना रहे थे, तो उस टाइम पे एक कमेंट आया था, कुछ दीदियाँ हैं हमारी जिनका मतलब गोद खाली है, गोद सूना है, और एक दीदी है जिनके भाई को कैंसर है। तो पता है उसी दिन से, जब से हमने सुना है ना, तब से हमारे दिमाग में हर एक घंटे में एक न एक बार आ ही जाता है वो बात। हालांकि मैंने ज्योति को ये चीज़ नहीं बताया है, और माता रानी से अब की बार मैंने यही प्रार्थना किया है कि हमारी जो भी बहनें हैं उनका गोद भर जाए, और वो एक बहन है जिनके भाई कैंसर है, उनका इलाज हो जाए, वो अच्छे हो जाए। तो मैं अगले साल, मतलब ये अगर ये हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो मैं अगले साल 9 दिन का नवरात्र रखूँगा और कन्याओं को भी खिलाऊँगा। तो माता रानी से यही हमारी कामना है, और आशा करते हैं कि माता रानी हमारी कामना जरूर पूरा करेंगी, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी कामना पूरी हो जाए। और जो लोग भी नवरात्र में पूजा पाठ कर रहे हैं या व्रत हैं, वो लोग भी माता रानी से ये दुआ मांगिएगा कि हमारे यूट्यूब फैमिली में, इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, उनका दुख दूर हो और सुख मिले उन्हें। क्या जल्दी, और मेरे लिए भी एक छोटा खुश रहें। और माता रानी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग जिनका दुख, अगर माता रानी सबका दुख देख रही हैं, जिनका दुख माता रानी को लगे कि नहीं इनको जरूरत है, इनका दुख दूर करना चाहिए, उनका दुख जरूर माता रानी दूर करे। क्या जल्दी, तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।